So right now I'm in jungle and I'm with a gun. This is too good. और मैं शिकार करूँगा. दिस इज़ अमेजिंग. आई मस्ट टेल यू, अगर आप ऐसी ऐसी जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हो तो दे आर देमसेल्फ वेरी डिवाइन. यहाँ पे मेरे को सब कुछ मिल जाएगा. लोकेलिटी में दे सेड दैट देयर इज़ अ ब्यूटीफुल टेम्पल ओवर देयर, इट्स ऑल्सो नोन एज मिनी खजियार. तो जैसे आप एंटर करोगे यू गॉट टू सी वन टेम्पल ओवर देयर. आई शो यू, दिस इज़ अ वाटरफॉल. वी जस्ट वॉन्टेड टू गो, यहाँ पे है वाटरफॉल, हम यहाँ जाएंगे अभी. तो बागासरान पहुँचा हूँ मैं, और जैसा कि हैव टोल्ड यू अबाउट द प्लेस, दिस इज़ मिनी खजियार. ब्यूटिफुल लैंडस्केप, ब्यूटिफुल पीपल एंड आर्किटेक्चर इज अमेजिंग. तो रास्ते का हमें आइडिया नहीं है, रास्ता थोड़ा बनाते हुए जाना पड़ रहा है. मतलब फर्स्ट टाइम है हमारा, तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट वी नो द प्लेस, वी नो द लोकेशन. तो ये पता है कि जाना कहाँ है, बट ये नहीं पता कि कहाँ से जाना है, बट विल फिगर आउट. थोड़ा शांति हुई, अब हम थोड़े से फॉरेस्ट के अंदर आ गए, और फॉरेस्ट के अंदर थोड़ा टेम्परेचर भी कम है. ट्रैवलिंग इज द बेस्ट पार्ट यू कैन डू, और बागासरान में ब्यूटी की कोई कमी नहीं है. मुझे आए हुए यहाँ पे एक दिन हो गया है. लैंडस्केप, ब्यूटी, आर्किटेक्चर, एवरीथिंग इज टू गुड. तो अभी मैं वाटरफॉल की तरफ जा रहा हूँ, एंड जो ये ब्यूटी जो एक स्टार्ट हो गई है, जो एक लैंडस्केप स्टार्ट हो गई है, ग्रीनरी है, और बहुत अच्छे से इन्होंने एक पत्थर से एक वॉल जिसको बोलते हैं दीवार सी बनाई है, बहुत प्यारी लग रही है वो. और ये पूरे के पूरे एरिया को प्रिजर्व किया हुआ है बिकॉज आई थिंक इट्स गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. तो यहाँ से अभी हमने जस्ट स्टार्ट ही किया है जर्नी को, एंड वी आर जस्ट गेटिंग द बेस्ट सो फार व्यू, और आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट. अभी मैंने वाटरफॉल करना है, एक सूखा पेड़ है, आई थिंक लोकलाइट नीड्स टू कॉल इट सूखा पेड़ और समथिंग, तो वो करना है अभी. तो उसके बाद आगे निकलेंगे. तो यहाँ से निकलता हूँ आगे मैं. सो राइट नाउ आई एम इन जंगल एंड दिस इज टू गुड, और मैं शिकार करूँगा. आई एम ट्राइंग टू हंट सम गुड फुटेज, एंड दिस इज माय रॉनिन एज यू कैन सी. But it's looking much more like a gun. Can you see? So I'm in a hunt of good footage. एक देखो यहाँ पे, इसको बोलते हैं जंगली कश्ते टाइप. हाँ, इसकी आग बहुत अच्छी जलती है,
अगर आप इसको यूज़ करना जानते हो तो यहाँ पे ये थोक में, और कभी भी जैसे अगर बॉनफायर करना चाहते हो एंड यू जस्ट नीड समथिंग जो जल्दी जले या आग पकड़े, तो यू कैन यूज़ दिस एज अ लोकल काइंड ऑफ अ थिंग। गिम्बल को मैं ना फिक्स कर लेता हूँ बैग में, क्योंकि इट्स अ सेंसिटिव इक्विपमेंट और इसका होना भी ज़रूरी है और इसके साथ ट्रैवल करना मुश्किल भी बहुत है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है इक्विपमेंट्स की भी, बिकॉज दे आर हाईली सेंसिटिव और इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो बैग पैक में अगर आप सेंसिटिव चीज़ें लेके चल रहे हो तो ध्यान जरूर रखो यार, क्योंकि इन्हीं की वजह से आप अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाते हो। सो लो जी, ये फिक्स हो गई। I can travel now. Now it's a little bit heavy. पहली डेस्टिनेशन पे पहुंच के खोखला पेड़, छोटा लड़का हमारे को मिल गया था और ये हमारे को यहाँ तक गाइड करते हुए लेके आ गया, क्योंकि वी आर न्यू ओवर है, इतना ज़्यादा आइडिया नहीं कौन सी चीज़ कहाँ पे है। बट ये देखो एक और काइंड ऑफ हिडन प्लेस यू कैन से, बहुत ही अच्छा है कैंपिंग के लिए, बॉनफायर के लिए अगर आ सकते हो तो लोक लाइट से पूछ के जरूर आना जब भी आप आने जाए। सो दिस इज खोखला पेड़ और ये बहुत ही बड़ा है। एक सेकंड, यह नेचुरल वाटर की कोई कमी नहीं है, आप चलता पानी पी सकते हो। कैसा पानी है? जबरदस्त, सो कोल्ड, जबरदस्त, बिस्लेरी से भी बड़ा अच्छा है, बिस्लेरी भी इसके सामने कुछ नहीं है। झरने के पास हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा रह गया है मेरे को, थोड़े थोड़े ग्लिम्स दिख रहे हैं उसके एंड पास ही हैं हम एकदम। तो इंतज़ार का टाइम ख़त्म हुआ, हम झरने के पास हैं और दूरी सिर्फ एक मिनट। झरना, ब्यूटीफुल वाटरफॉल मैन।